सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। देखकर पलामू की हालत दिल रोता है चित्कार, कितना निरंकुश है तेरा सरकार। अब ग्रामीण क्या करें कि उन्हें उनका हक मिले। हक तो छोड़िए साहब, उन्हें उनका मेहनताना ही मिल जाए। कोई कुछ भी नहीं सुन रहा है और ग्रामीण लगातार उग्र होते जा रहे हैं। पलामू का हर नागरिक को गुस्सा आएगा जब सुनेगा कि एशिया फेम कुंद्रीलाह बगान के लिए स्थानीय जनता दिन रात मेहनत कर रही है और वन विभाग के रेंजर सरीखे अधिकारियों की वजह से सब मटिया मेट हो जा रहा है। 4 सालों से भी अधिक समय से दिन रात मेहनत मजदूरी कर जिस 421 एकड़ में फैले बगान को, लाखों पेड़ों को बचाने और उसे रोजगार पूरक बनाने में सैकड़ों ग्रामीण परिवार सहित जुटे रहे, पुनर्जीवित किया, सरकारी तंत्र से लेकर सरकार तक से वाहवाही लूटी, वही ग्रामीण को उनका अधिकार उनकी मेहनत की मजदूरी देने से सब भाग रहे हैं। निरंकुशता, उदासीनता, लापरवाही, मनमानी, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ संयुक्त वन प्रबंधन समिति की तीसरी बैठक में चेतावनी के बाद भी वन अधिकारी, यहां तक कि रेंजर जितेंद्र हाजरा भी नहीं पहुंचे। हां, पलामू के विकास एवं पलायन पर चोट के लिए मुख्य केंद्र कुंद्रीलाह बगान के लिए स्थानीय युवा नेतृत्व चेहरे जरूर पहुंच गए, चाहे भाजपा के डॉक्टर अमित प्रकाश हो या रुद्र शुक्ला, सबने वन विभाग को कोसा। वहीं युवा पलामू के मुख्य चेहरे और बगान आंदोलन के सहयोगी नौजवान संघर्ष मोर्चा प्रभारी राकेश तिवारी ने भी वन विभाग के कार्यशैली पर बिफरने कुंद्री में डेरा डाल दिया। मैं यहाँ पे आया, देखा कि बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ करें जो ऑफिसर के द्वारा बढ़ती जा रही है, और जैसा अभी सुनने में आया, लोग यहाँ पे ग्रामीण जनता और मजदूर जो है गरीब जनता वो बता रही है कि देवघर और जामताड़ा के रेंज ऑफिसर है, वहाँ से अपने कोई रिश्तेदार को 10-12 को लाए, उनसे यहाँ पे जंगल का काम करवा रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का पैसा का शोषण किया जा रहा है, उसमें शायद घोटाला के लोगों को बू आ रही है कि इसमें घोटाला यहाँ पे हो रहा है, उनके द्वारा बहुत अनियमितता बढ़ती जा रही है। पलाश के नाम से ही पलामू पूरे विश्व में विख्यात है, लोग अगर जानते हैं इसे तो पलाश के नाम से ही यहाँ सबसे ज़्यादा चुकी खेती होता है और विश्व में दूसरे स्थान पर ये रह चुका है। उसकी पहचान को आगे करने के लिए हम तत्पर हैं, प्रयासरत हैं, क्योंकि सभी जगह से, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, यहाँ के मंत्री हो, जब लगे हुए हैं इस पर, उसके बावजूद भी यहाँ के पदाधिकारियों का अवहेलना करना ये बहुत ही दुख की बात है, और ग्रामीणों का हक और अधिकार छीनना ये सबसे बड़ा दुख की बात है, क्योंकि पलामू हमेशा पलायन झेला है। इस चीज़ को रोकने के लिए हम अपनी पूरी ताकत के साथ पलामू के युवाओं का आह्वान करना चाहेंगे, इस पलामू को पुनर्जीवित करें और कदम से कदम मिलाकर यहाँ पे अपनी संघर्ष की लड़ाई को जारी रखें। रेंजर का नहीं पहुँचना संयुक्त वन प्रबंधन समिति के औचित्य को नकारने का ही नहीं, बल्कि ग्रामीण सोसाइटी और समिति के अधिकारों को नहीं देने की भ्रष्ट नीति और नियत का प्रमाण भी है। जिसके खिलाफ आक्रोश बढ़ा तो कुंद्री के लोगों ने 2 फॉरेस्ट गार्ड को बंधक बनाकर पांकी मेदिनीनगर मुख्य पथ को जाम कर दिया। मैं कुंद्री वनरक्षी के पद पर कार्यरत हूँ पिछले 2 महीने से। इससे पहले हम लोग ट्रेनिंग में थे, तो यहाँ पर आज जो मीटिंग रखा गया है 23/10/2018, तो इस संबंध में उनको बस इतना बताया गया था कि इस मीटिंग में जो रेंज सर द्वारा कि हम शामिल नहीं हो रहे हैं, उनको कुछ कारण है, इसके वजह से यहाँ पर जो भी मांग होगा इन लोगों का, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसको लिखित रूप में आप उनसे ले लेंगे और उसको हमको तक पहुँचा देंगे। इसके बाद प्रशासन जागा तो कुंद्री के लिए वादा करने लेस्लीगंज थाना प्रभारी प्रशासन का पक्ष रखने पहुंचे और पुलिस कप्तान उप कप्तान के भरोसे दुहाई देकर
रेंजर को थाने बुलवाकर वार्ता का वादा कर जाम भी खुलवा लिया और बंधक को भी छुड़वा लिया। लेकिन 24 घंटे बीत गए और ना तो वार्ता हुई, ना ही बगान के उत्थान और ग्रामीणों के अधिकार के लिए प्रशासन ने कोई कदम उठाया है। लोग ग्रामीणों के हित में नहीं कर पा रही है और विगत 2 वर्षों से ग्रामीणों का बकाया राशि का भुगतान विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके ग्रामीण पूर्व में भी आंदोलन किए थे और आज भी आंदोलन किए हैं। पूर्व में 2 बार JFMC का बैठक बुलाया गया, लेकिन उसमें कोई भी विभाग का पदाधिकारी, रेंजर, फॉरेस्टर, DFO कोई भी नहीं आया, वहीं रुकूं, कोई भी नहीं आया। फलस्वरूप हम लोगों ने आज पुनः बैठक रखा था 23 तारीख को, 10 बजे का निर्धारित कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भी सुबह से 10 बजे से लेकर अभी तक एक भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जो बिल्कुल ही नियम संगत नहीं है, कानून का उल्लंघन करना है। विभाग के अधिकारी कभी नहीं चाहते हैं कि ग्रामीणों का स्वरोजगार मिले और ग्रामीण का पलायन का समस्या रुके। उस समस्या को दूर करने के लिए आज सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर हैं, लेकिन कानून का सम्मान करने के लिए हम लोगों ने बड़ा बाबू से मध्यस्थता के बात हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका मांग जायज है और जनता के हित में है, आपका जो भी मांग है हम रेंजर साहब को थाना में हम बुलाते हैं और उनसे हम वार्ता करेंगे। अगर आज इसी वार्ता पर हम लोगों ने कानून का सम्मान करते हुए हम लोगों ने आज धरना को स्थगित किया है, अगर आज 6 बजे तक 7 बजे तक अगर हम लोगों का जायज मांग है संरक्षण एवं दोहन, जो ग्रामीणों का अधिकार है वन अधिकार नियम 2006 के तहत मालिकाना हक मिलना चाहिए, मालिकाना हक हम ग्रामवासियों का अधिकार बनता है, जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हमको अनुमति दिया है, कानून बनाया है, वन अधिकार नियम 2006 उस नियम के तहत ग्रामवासियों को संरक्षण एवं दोहन का अधिकार मिलना चाहिए। ये आगाज नहीं बल्कि मझधार में फंस चुकी पलामू का भविष्य है, जो एक वन विभाग ने लहूलुहान कर रख दिया है। एक युवा कमलेश सिंह की अगुवाई के बाद सैकड़ों संख्या में जुड़ चुके परिवार का आसरा संवेदनहीन सरकार का भ्रष्ट तंत्र हर दिन मार रहा है और सब चुपचाप बैठे तमाशबीन बने हैं। सांसद, विधायक हों या जिला परिषद, पंचायत मुखिया, किसी के रगों में खून बचा ही नहीं। इन्हीं जनता के दिए कुर्सी पर बैठकर जो मजदूरी करके खुद के मर चुके विरासतीय धरोहर को जिंदा करके भी चिल्ला रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। 24 घंटे तो बीत गए, अब देखना है उग्र ग्रामीणों को उनका अधिकार कैसे मिलेगा। निगाह तो रहेगी ही।